जैसे ही उपचुनाव की तारीखें नजदीक आ रही हैं, प्रदेश में पार्टियों का प्रचार प्रसार चरम पर पहुंच गया है। सागर की सुर्खी विधानसभा सीट पर भी 3 नवंबर को मतदान होने हैं, जहां पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने जनसभा को संबोधित किया और कांग्रेस प्रत्याशी पारुल साहू के लिए प्रचार किया। जनसभा में पूर्व मंत्री लखन गंगोरिया भी मौजूद रहे। इनके आंसू नहीं दिखता, किसान की आवाज नहीं सुनते, नौजवान की पुकार नहीं सुनते, जो आज भटक रहा है। इनके कान नहीं चलते, आंख नहीं चलती, मुंह बहुत चलता है इनका, कुछ भी बुलवा लो। तो आज सबसे बड़ी चुनौती हमारे मध्य प्रदेश में हमारे नौजवानों की भविष्य की है। यही नौजवान हमारे मध्य प्रदेश का निर्माण करेंगे भविष्य। यही नौजवान और आगे आने वाली पीढ़ियां हमारे मध्य प्रदेश की रक्षा करेंगी। हमारी माताओं और बहनों ने कितने प्यार से इन्हें पाला पोसा है, और आज ये नौजवान जिसने पढ़ने के लिए अभी वो ना शहर का रहा ना गांव का रहा, उसके लिए कोई उपाय। ये सबसे बड़ी चुनौती है कि हम क्या करें, क्या बेरोजगार, क्या हमारी छोटी के नौजवान बेरोजगार इस प्रकार रहेंगे, कोई उपाय नहीं। ये आप सबके सामने, ये सच्चाई आप सबके सामने है। मंत्री बनाया वो व्यक्ति एक पीने की पिए जल की व्यवस्था भी जब हल नहीं कर सकता तो वो क्या कर पाएगा, और जो व्यक्ति जनता का नहीं हुआ वो किसका क्या होगा। आज जब हम बात करते हैं स्वार्थ सिद्धि की तो कई बातें सामने आ रही हैं। मैं इस मंच से कहना चाहूंगी भाई साहब कि जिस व्यक्ति ने जनता का सम्मान नहीं किया, जिस व्यक्ति ने कांग्रेस पार्टी का सम्मान नहीं किया, आज उस व्यक्ति ने भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी है, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के बाद भी वो उसका भी सम्मान नहीं कर पा रहा है। जितने भी वरिष्ठ नेता है उन पे भी शक जता रहा है। युवराज जी मुंह चलाते हैं, फर्क कितना था, कमलनाथ जी ने बहनों को रिश्ता निभाया, हर प्रकार की पेंशन 300 रुपए से बढ़ा के 600 रुपए की, भांडियों से कर्ज निभाया और वो कर्ज भांडियों से संबंध निभाए, ऐसा रिश्ता निभाया। क्या आप सोचिए जो कन्यादान योजना की राशि 28,000 की उसको बढ़ा के 51,000 किया, 28,000 में होता क्या था, 2,000 का पलंग 4,000 का लिख लिया जाता था, 3,000 के बर्तन 9,000 के हो जाते थे, और पायल बिछिया जो चांदी की होना चाहिए थी वो बिलेट की हो जाती, और तो छोटा सा मंगलसूत्र नकली दे दिया जाता था, कपड़े 10,000 के लिख लिए जाते थे, 28,000 की इतनी हो जाती थी, भ्रष्टाचार की भैंस चल जाते थे। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।